मेरे पीछे जो एक शॉप है यहाँ पर कहते हैं कि बहुत ही बुरा साया है, यहाँ पर लोग जाने से बहुत डरते हैं। आज हम लोग आए हुए हैं डॉलमन मॉल, जो कि कराची में रहने वाले हर बंदे ने देखा होगा, लेकिन मेरे पास कोई आइडिया नहीं था वीलॉग बनाने का, तो मैंने डॉलमन मॉल में ही वीलॉग बनाने का सोच लिया। पीछे मेरी बेगम हंस रही है ज़ोर ज़ोर से। तो ये आज का वीलॉग कराची वालों के नाम, वैसे तो हर वीलॉग ही कराची या एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। You do like the Hot Wheels one? No, the Hot Wheels? Well, that's a baby one, right? No, they have big shirts also. Oh, yeah. You like it? This is your size. This is your size. Yeah. You like this one? Hi guys, today we found the superhero one, which is my favorite one. This is the one I think all my size kind of fit, right? And hey, yeah, all is even. Spider-Man. You like this one? Yeah. It is full sleeves. एक सुपरस्टार कर दीजिएगा। मैं आगे आर्टिस्ट पे पहले ये बोल ले बंदा हूँ। टोटल 1500 था, 1500 था। हमें हबीब मेट्रो के कार्ड पे 15% डिस्काउंट मिला है, अब मैं 1100 रुपये दे रहा हूँ बर्गर के। वो बर्गर मैंने लिया है ये वाला सुपरस्टार। यार ये पापा रोटी मुझे बहुत पसंद था, लेकिन सैडली ये बंद हो गया। अगर किसी को पता इसके साथ क्या हुआ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने बर्गर का, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं। बर्गर का वेट हो रहा है, फैमिली मेरी आइसक्रीम खा रही है मैकडॉनल्ड्स की, ये वो आइसक्रीम है। मेरा हाल हो गया। ओ ये बच गया, ये बच चुका है। अब मैं लेने जा रहा हूँ बर्गर। अब मैं खाऊंगा अपना बर्गर ये वाला। यहाँ पे कुछ हो रहा है भाई, अभी हम लोग बटलर्स में आ गए और यहाँ से मैं पीऊँगा ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि वापसी का सफ़र बहुत लंबा है। कॉफ़ी से ज़रा मेरा दिमाग चलेगा। ये मोज़रेला बाइट्स हैं,
onion. ये crispy chicken है. ये आ गई मेरी एस्प्रेसो डबल शॉट और ये इन्होंने खाने का हशर नशर कर दिया. भाई कॉफ़ी तो मैंने पी ली, बहुत ही मज़े की थी, लेकिन ये पता नहीं क्यों इतना यानी टेस्टलेस था. यहाँ तक कि जो चिकन स्ट्रिप्स थी वो भी नहायत ही अफसरदा किस्म की और अजीब किस्म की बनाई हुई थी. पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तान के लिए, समझ से बाहर नहीं, यानी पाकिस्तान के रेस्टोरेंट्स को क्या हो गया. महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जिस वजह से ये लोग कट डाउन कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, शेफ्स के ऊपर, क्योंकि साफ नज़र आता है इनकी जो सॉस थी ये वाली पहले बहुत अच्छी होती थी, पता नहीं इसको क्या हो गया. और इस यानी कि टेस्टलेस है ना, इसके अंदर चीज़ थी ना कुछ, यानी कि इसको काटते तो चीज़ बाहर निकलती है, सूमन कुछ भी ऐसा नहीं था. और यही नहीं खाया गया बेचारा, बाकी क्या खाए जाते, बच्चों से नहीं खाए जा रही, फुल वेस्ट ऑफ मनी हुआ है आज. अभी जाते जाते मेरे बेटे ने फरमाइश कर दी कि उसको मोज़रेला स्टिक्स खानी है, क्योंकि चिकन स्टिक्स समझ नहीं थी आई, तो मोज़रेला स्टिक्स ला के दिए जो कि कुछ बेहतर लग रही है. वाइफ अगर आप तोड़ के दिखाइएगा, ये देखिए इस तरह से चीज़ होनी चाहिए ना, ये मोज़रेला स्टिक्स. अच्छा अभी अजान हो रही थी. एक चीज़ का बस मैं आप लोगों से बोलूँगा, ख्याल रखा करें कि जब अजान हो ना तो ख़ुद भी और अपने बच्चों से भी कहें, उनकी प्रैक्टिस करवाएं कि सब काम छोड़ दिया करें. अगर बातचीत कर रहे हैं, गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं तो चुप कर जाया करें, खाना खा रहे हैं तो खाना छोड़ के कुछ देर के लिए बैठ जाया करें. क्या जाता है यार, आई मीन इट्स नॉट अ बिग डील अगर हम कुछ देर अजान की अख्तराम में नमाज पढ़े या ना पढ़े, वो तो बात की बात है, लेकिन जब अजान हो रही है मैं नोट करता हूँ सारे लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, बातें चल रही हैं तो बातें चल रही हैं, ऑफिस के ग्रुप के जो लोग बैठे होते हैं हंस रहे हैं कह के लगा रहे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, कोई उनको नहीं बता रहा कि ये चीज़ गलत है, जबकि इतनी ऊँची अजान होती है कि किसी बहरे को भी सुनाई दे. लेकिन मजाल है कि जो आज से कुछ 15-20 साल पहले एक चीज़ एक लिहाज होता था ना, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है. थोड़ा सा ख्याल रखें इस चीज़ का प्लीज़. अब मेरे बच्चे ने फरमाइश कर दी कि उसको चॉकलेट, इनका जो बटलर सिग्नेचर चॉकलेट शेक है वो चाहिए. अब भाईजान ये पी रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सिंबाद. व्हाट हैपेंड, कटक शुरू कर दिए. ये लो दर्शन, 1500 का कर. अच्छा अभी हैव इट, थैंक यू थैंक यू. मेरी वाइफ को उनकी कोई पुरानी सहेली मिल रही है तो मैं बात के यहाँ पर आ रही हूँ. अच्छा उन्हें थोड़ी सी प्रिवेसी मिले, मैं और मेरी बेटी यहाँ पर आ रही हूँ. Don't angry me. Do you want barbecue? Which count size can I be? Which? Like a count?
पिंक दे दूँ और एक पिंक, बस एक पिंक, एक आपको भी चाहिए? नहीं नहीं बस एक पिंक, एक पिंक, थैंक यू। ये है जी लश क्रश। यार ये वाली शॉप जो है ना बहुत ही अंडररेटेड है, इसमें बड़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं, फ्रेम्स मिलते हैं, इस तरह के बॉक्सेस मिलते हैं। मेरे पीछे जो एक शॉप है, यहाँ पर कहते हैं कि बहुत ही बुरा साया है, यहाँ पर लोग जाने से बहुत डरते हैं। साया हुआ क्या है कि मैं व्लॉग बनाते बनाते अपनी फैमिली खो बैठा हूँ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं सीन रिकॉर्ड कर रहा था, मेरी फैमिली कहीं पर कहीं भी नहीं मिल रही। अब मैं जाके ऐलान करवाऊँगा, अब मेरा कैमरा है, मेरी बीवी ने तो नहीं पकड़ा। Done from क्या नाम है इसका, डॉलमन मॉल, एंड वी आर लीविंग फ्रॉम हेयर। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, पार्किंग में जा रहे हैं, बेसमेंट में गाड़ी में जाके आपको अलग बताई शॉट देखा। बाय बाय। यार इसका कैमरा कहाँ पे देखना होता है, मुझे आदत है DSLR से शूट करने की, और इसका कैमरा मुझे समझ नहीं आती कहाँ पर है। ये रही, कहाँ से जाएं, ले जी हम फ्री हो गए हैं यहाँ से, क्या कहते हैं डॉमिन मॉल से। अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। आपको उम्मीद है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।